क्यों भेज दूं मैं? खटा नहीं है लालटेन, लालटेन पता नहीं क्या है मेरे लिए। पैसा है तो बहुत सारे सपने पूरे हो जगो के लालटेन के साथ जुड़े, उससे भी टेक्निकल टीम और जितने भी हमारे पर्दे पे आ रहे हैं कलाकार, उनके लिए ऑल द बेस्ट। जैसे जैसे कहूंगी मेरे करता जइयो तू, तेरा मानूंगा तेरी हाँ में हाँ मिलाऊंगा। चल झूठे। हर फिल्म एक डायरेक्शन करते हुए या लिखते हुए उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू जरूर होता है, और हर कोई चाहता है कि ऐसी फिल्म बनाई जाए जिसका एक मॉरल वैल्यू के साथ जुड़े, बिकॉज एक नाम एक नॉन कमर्शियल सब्जेक्ट है, तो बहुत ब्रीफ में एक सोसाइटी ऑब्लिगेशन जरूरी थी, और मेरे को लगा कि शायद ऐसी फिल्म से डेब्यू करूँ जिससे आदमी को सीखने को मिलेगा और कुछ अलग, मतलब फैमिली फिल्म है तो ऑफकोर्स आप इन्जॉय करते हो, तो मैं चाहता था एक फैमिली फिल्म पूरी परिवार साथ में बैठ के फिल्म को देखे, इसलिए मैंने जग्गू की लालटेन से डेब्यू किया। फैमिली के साथ आजकल की फिल्में देखी नहीं जा सकती, क्या हम उम्मीद करें कि ये पूरी फैमिली एक साथ बैठ के देख सकती है? सर मेरी बेटी है 7 साल की छोटी, बहुत इंटरफेयर करती है वो, मैं चाहता हूँ मैं अपनी बेटी के साथ देख लूँ पिक्चर, तो उसको ध्यान में रखा गया सर। सब अपने बच्चे बेटियाँ सब मम्मी कोई ये ना कहे वो अच्छा समटाइम्स होता है वो चाय उबल गई थी नहीं उबल गई, तो मैं चाहता हूँ मैं और मेरी बेटी से उनको एक साथ देखे और इन्जॉय करें सर। पैसा है। हाँ ये आप बोल सकते हो कि ये मेरा लकी चाम है, जैसे पहले मुझे मिला था दो घूट मुझे भी पिला दे, एक आया राजा जी मुझे घूट घूट, तो मुझे डबल सॉन्ग जरूर मिलते हैं, और मैं बहुत खुश हूँ विपिन सर कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस सॉन्ग को परफॉर्म कर पाऊँ, एंड थैंक्स टू ऑल थैंक यू पूरी नीरज जी और पूरी टीम को जिन्होंने इस मूवी को इतना अच्छा बनाया, और मैं चाहती हूँ आप सभी 14 अक्टूबर को जाओ अपनी फैमिली के साथ और ये मूवी को एंजॉय करो। पैसा है। अच्छा अनुभव कैसा था आपका, एक ये फिल्म पूरी जो है गरीब लोगों के ऊपर है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, क्योंकि आप अपनी रियल लाइफ में अलग हैं लेकिन फिल्म का किरदार बिल्कुल अलग है, तो एक्सपीरियंस अनुभव कैसा था? हाँ दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि स्टार्टिंग में तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ये कर पाऊंगी, सीरियसली मैंने विपिन सर को कहा था, मैंने कहा सर, सर ने मुझे बोला कि आकृति जितनी गंदी दिख सको ना उतनी गंदी दिखना, मैंने कहा सर प्लीज नहीं, मैंने कहा सर हल्के से लिपस्टिक लगाने दो, नहीं, मैंने कहा सर मस्कारा लगाने दो, थोड़ा तो ग्लैम दिखाओ, नहीं दिखाना तुम्हें डी ग्लैम दिखाना है, बोला चाहो तो नहा के भी मत आना, सर ऐसे मत करो। डू यू रियली बिलीव दैट कि हमने आई थिंक 15 डेज शूट किया है, 15 डेज में डेली मैंने वो गंदी साड़ी पहनी है, डेली वो गंदा ब्लाउज सब कुछ ऐसा ही पहना है, मतलब वॉश नहीं करना, जितना उसको चाहो तो नीचे रगड़ दो एंड देन वेयर इट। मैंने कहा ओके सर व्हाटएवर यू से, मैंने कहा सर आप बोलोगे जमीन पे लेटना मैं लेट जाऊंगी, आई रियली वॉन्ट अ गुड वर्क, इफ यू सेटिस्फाई आई एम सो हैप्पी, थैंक यू। पैसा है। देखिए सवाल बहुत अच्छा है, देखिए कलाकार सभी जगह होते हैं, दिल्ली एनसीआर में कला मैं समझता हूँ भरा हुआ है कलाकारों से दिल्ली एनसीआर, अगर हम ढूंढने निकालेंगे तो अचल होता क्या, लोग कलाकार बनने के लिए फिल्मों में चांस लेने के लिए मुंबई की साइड जाते हैं, बेचारे बहुत स्ट्रगल करते हैं और उन्हें ठगा भी जाता है कई जगह, काफी ऐसा हुआ है वो सही जगह पहुंच नहीं पाते, मतलब अगर 1 लाख लोग जाएंगे तो उनमें से कोई एक खुशकिस्मत होता है जो शायद सही मुकाम पे पहुंच जाएगा, बाकी लोग बेचारे हार के थक के वापस आ जाते हैं, अपना सपना वहीं चूर कर जाते हैं, तो उन लोगों ने हमने सोचा क्यों ना एक छोटा सा प्रयास करें अपनी तरफ से, और हमारी फिल्म में ज़्यादातर सब नए न्यू कलाकार हैं, सभी लोग ज़्यादातर विपिन सर की भी पहली डेब्यू है, मेरी खुद इन्होंने सच बताऊं मेरा भी इन्होंने जो ना ऑडिशन लिया है, रियली बता रहा हूँ, मेरे मुझसे कहा पहले आप अपनी ना फोटो बोल के दिखाओ पहले आप कैसे बोलोगे ये वो, काफी ऑडिशन लिया है, और इन्होंने कहा ये लाला का रोल ना है तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर पाएगा, मैंने कहा भी मैंने कहा किसी को और को ट्राई कर तो करके देखो आप, नहीं नहीं तुम्हारे अलावा कोई कर नहीं पाएगा, और जग्गू का रोल रघुवीर सर के अलावा कोई नहीं कर पाएगा, दोनों चीज इन्होंने बता दी, और आप ये मूवी देखिएगा आप कोशिश करना रिप्लेस करने की कि इस रोल को कौन कर पाएगा और इसे कौन कर पाएगा, शायद आपको कोई मिलेगा भी नहीं आर्टिस्ट। सर एक बिजनेसमैन के तरीके से आपका बैकग्राउंड रहा है और बिजनेसमैन से सीधे एक्टर, कैसी रही है जर्नी? नहीं बिजनेसमैन का बैकग्राउंड नहीं रहा, मेरा बैकग्राउंड एक्टर का ही रहा है, मैंने बचपन में बहुत थिएटर किया है, मैं चांदनी चौक में
मेरा पुराना घर, हम चांदनी चौक के रहने वाले हैं, पुरानी दिल्ली के, मंडी हाउस हमारे यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे था। उस जमाने में पैदल पैदल चले जाया करते थे हम लोग मंडी हाउस तक, ऐसा लगता नहीं था कि ये बहुत ज़्यादा दूर है, पैदल पैदल चले जाते थे। और टाउन हॉल है चांदनी चौक में, काफ़ी फेमस जगह है, अब तो वहाँ बंद हो गए शोज वगैरह होने, पहले वहाँ पे प्ले होते थे टाउन हॉल में, तो मैंने बहुत सारे प्ले में डायरेक्ट भी करता था, मैं एक्टिंग भी करता था, राइटिंग भी मैं लिखता भी था, कहानियाँ तीनों चीज़ मैं करता था, मैंने बचपन में खूब किया है, मैंने काफ़ी सारे प्लेस मैंने लिखे थे करे हैं, जो मेरे साथ के पुराने साथी हैं वो सभी जानते हैं इस चीज़ को। काफ़ी लंबा डिस्टेंस एक गैप हो गया था, और मेरे को एक अच्छा अंदर से एक शौक भी था, और एक कलाकार भी अंदर सोया हुआ था, तो कब मुझे विपिन सर मिले, हमने छोटी छोटी कई मूवीज़ बनाई, सर ने बिनार मूवी बना के मुझे दिखाई, मैंने कहा यार ये तो बड़े पर्दे की जैसी मूवी है, 30 मिनट की मूवी उन्होंने बनाई बिनार, आप देखिएगा बहुत अच्छा म्यूज़िक, और छोटे छोटे कलाकारों को यहाँ तक कि तिहाड़ जेल के जेलर तक से इन्होंने एक्टिंग करवा दी। तो मैंने देखा यार तो बहुत बड़े टैलेंटेड डायरेक्टर हैं, मैंने कहा बड़ी कुछ बड़ा करना चाहिए हमें, इन्होंने कहा हाँ बिल्कुल करते हैं। तो काफ़ी हमारा डिस्कशन होता रहता था, इन्होंने मुझे बताया उस अपना गलीज के बारे में, गलीज की मुझे स्क्रिप्ट बताई, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो, मैंने कहा पहले छोटा करके ट्राई करते हैं, उसमें देखते हैं क्या होता है, फिर उसे भी करेंगे गलीज को भी। तो वैसे ही एक दिन दिमाग में बैठे हुए मैं कुछ सोच रहा था, मैंने कहा यार कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाए सस्पेंसिंग, और छोटी चीज़ को लेकर के, जैसे गुलजार साहब के जो आपने सुने होंगे जो वो लिखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों, माचिस के ऊपर लिख दिया, बूंद के ऊपर, मतलब बहुत छोटी सी चीज़ को बड़ा बना देते हैं वो, तो मतलब छोटी चीज़ के ऊपर बड़ी चीज़ बनाते हैं, मैंने लालटेन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं अपन लोग। तो उनसे कुछ डिस्कशन हुआ मेरा, इन्होंने मुझे 6 दिन में स्क्रिप्ट ला करके दे दी मेरे को लोग, पहले उसका टाइटल हम कुछ और रख रहे थे, वो टाइटल हमें मिला नहीं, फिर हमने थोड़ा टाइटल के साथ एक्सपेरिमेंट करने का, हमने कहा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं कौन सा टाइटल मिलता है। हमने पहले खाली लालटेन को कोशिश करा, नहीं मिला, कह रहे लालटेन तो मिलेगा ही नहीं, वो तो कॉपीराइट है किसी का। मैं कहा लालटेन कॉपीराइट है, चलो जग्गू की लालटेन करो, वैसे ही मुँह से आ गया, मैंने जग्गू की लालटेन ट्राई करो, मिल गया जी वो। अब उन्होंने जग्गू की लालटेन तो मिल गया, अब जग्गू को निकाल लो, जब जग्गू की लालटेन मिलेगी तो जग्गू तो मिल ही जाएगा। तो ऐसे करके कुछ हमारा वो हुआ, काफ़ी हम डेली हम लोग रात को 2-2, 3-3 बजे तक बैठ के हम लोग डिस्कशन किया करते थे, और बहुत मेहनत करी है पूरी टीम ने, सभी ने, और नम्रिता का डांस तो आप सबने देखा ही है, और इतनी लाजवाब डांसर कलाकार है। क्यों भेज दूं मैं, खटा नहीं है लालटेन, लालटेन पता नहीं क्या है मेरे लिए, पैसा है।